हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड इट मेक शार्प इमेज ऑन स्क्रीन कैप 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नाउ अ ग्लास ब्लॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट विद लाइट सोर्स टू गेट द शार्प इमेज अगेन द स्क्रीन इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस डी देन डी इज डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसके जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है और इमेज का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने क्या रही ग्लास ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास जिसकी थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि जो शिफ्ट हुआ, ठीक है, जो डी शिफ्ट आ रहा है इमेज में, ठीक है, वो क्या है डी, हमें डी की वैल्यू बतानी, ठीक है, यानी मीन्स शिफ्ट इन इमेज बताना, ठीक है। तो अब देखो पहले ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक था हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इसका वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये हमारी इमेज बन रही है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ग्लास ब्लॉक। तो अब हमें बताने कि शिफ्ट क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ कितनी आएंगी, 10 / 2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले शिफ्ट आएगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट टू ग्लास ब्लॉक, ठीक है। तो वो कितने आएगी, टी इंटू 1 - 1 ऑन म्यू, ठीक है। तो टी यहाँ पे थिकनेस है, ठीक, थिकनेस है 1.5 और म्यू भी 1.5, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.5 आंसर, ठीक है। अब आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो न्यू ऑब्जेक्ट हमारा हुआ उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो वो शिफ्ट हुआ है 0.5, ठीक है। तो न्यू ऑब्जेक्ट कितना आएगा, 10 - 10 पहले था, 0.5 माइनस हुआ तो 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा न्यू ऑब्जेक्ट जो 9.5 सेंटीमीटर पे है। तो अब जो इमेज बनेगी, ठीक है, न्यू इमेज जो बनेगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है 1 / f इज इक्वल टू 1 / v माइनस 1 / u, ठीक है। यहाँ से 1 / v की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो आएगी 1 / 5 - 1 / 9.5, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10.55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v की वैल्यू 10.55 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी न्यू इमेज की आ गई है, ठीक है, ये वाली जो है ये अब न्यू इमेज की आई है और मुझे फाइंड करना है कि वो शिफ्ट कितनी हुई है, ठीक है। तो ओल्ड माइनस, तो मैं न्यू माइनस ओल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा, तो मेरे पास शिफ्ट इन इमेज आएगा, ठीक है, न्यू आ गया 10.55 और ओल्ड है मेरा 10, ठीक है। तो आएगा 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये किस तरफ आएगा, ये आएगा हमारा अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है, ये लेंस के अवे है, ठीक है। तो 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।